Assalamualaikum, dear students. How are you all? I hope you will be fine. Let's our lessons today. We will reading of unit number 3. Open your books, page number 30. बेटे आज हम पेज नंबर 30 पे यूनिट नंबर 3 की रीडिंग करने जा रहे हैं। मैं आपको वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी और रीडिंग भी करवाऊंगी। बी अटेंटिव। हु शुड आई प्रे फॉर, मैं किसके लिए दुआ करूंगा। स्टार्ट, यहाँ पे कुछ स्टार्ट्स में लाइन्स दी गई हैं आपको समझाने के लिए। ड्यूरिंग द लंच ब्रेक यू सी योर फ्रेंड टॉकिंग समथिंग आउट ऑफ अ क्लासमेट्स बैग। लंच ब्रेक के दौरान आपने अपने फ्रेंड को अपने क्लासमेट के बैग से कुछ लेते हुए देखा। नो बॉडी एल्स सी दिस, नहीं किसी ने नहीं देखा। लेटर, बाद में। द टीचर टेल्स द क्लास डेट वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज लॉस्ट सम मनी फ्रॉम हर बैग। बाद में टीचर बच्चों से कहती है कि क्लास के एक बच्चे ने अपने बैग में से जो मनी है खो दी है, या क्लास के बच्चे के बैग से कुछ रकम चोरी हो गई है। विल यू कीप क्वाइट, क्या आप खामोश रहेंगे। विल यू टेल द टीचर व्हाट यू सा, या आप टीचर को बताएंगे कि आपने क्या देखा। तो बेटा इन लाइन्स में हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप कोई बुराई होती हुई देखें तो आप क्या करेंगे। आप अपनी टीचर को बताएंगे या खामोश रहेंगे। बेटा बेहतर तो यही है कि आप अपनी टीचर को उसके बारे में बताएं, या फिर अपने जो आपका जो फ्रेंड है उसको समझाएं कि ये अच्छी बात नहीं है। नाउ रीड द स्टोरी, आओ अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। अ मैन हैड टू डॉटर्स, एक आदमी की तीन बेटियां थी। डॉटर्स में बेटियां। द गर्ल्स ग्रू अप एंड गॉट मैरिड, लड़कियां बड़ी हुई और उनकी शादी कर दी गई। द एल्डर डॉटर मैरिड अ पोर्टर, बड़ी बेटी की शादी एक बर्तन बनाने वाले से की गई। पोर्टर का मीनिंग है बर्तन बनाने वाला। द यंगर वन मैरिड अ गार्डनर, छोटी बेटी की शादी एक बागबान से की गई, गार्डनर यानी पौधे लगाने वाले से। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद ईच डॉटर वेंट टू लिव विद हर हस्बैंड्स इन हिज विलेज, हर बेटी अपने शोहर के साथ गांव में रहने के लिए चली गई। बोथ ऑफ देम वर हैप्पी, दोनों बहुत खुश थे। वन डे द फादर वेंट टू सी हिज डॉटर्स, एक दिन बाप अपनी बेटियों को देखने के लिए गया। फर्स्ट ही वेंट टू हिज यंगर डॉटर, पहले वो अपनी छोटी बेटी के पास गया। हु हैड मैरिड द गार्डनर, जिसकी शादी पौधे लगाने वाले से हुई थी। गार्डनर पौधे लगाने वाला। द गर्ल वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर फादर, लड़की अपने बाप को देखकर बहुत खुश हुई। ही आस्क्ड हर, उसने पूछा, आस्क का मीनिंग है पूछा। हाउ आर यू माई चाइल्ड, आप कैसे हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं बेटा, पेज नंबर 31 है। पेज नंबर 31। वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हैं फादर, ही सेड, अब्बा जान, उसने कहा। बट लाइफ इज डिफिकल्ट, लेकिन जिंदगी मुश्किल है। बेटा लाइफ का मीनिंग होता है जिंदगी, डिफिकल्ट मुश्किल। देयर इज नो रेन, यहाँ कोई बारिश नहीं हुई। रेन मीन बारिश। इफ देयर इज नो रेन, अगर यहाँ बारिश ना हुई, वी विल बी इन ट्रबल, तो हम मुसीबत में हो जाएंगे। ऑल ऑफ माई
हस्बैंड्स प्लांट्स विल ड्राई अप, मेरे शोहर के तमाम पौधे खुश्क हो जाएंगे। प्लांट्स पौधे, हस्बैंड्स शोहर, ड्राई मीन है खुश्क। ही विल हैव नथिंग टू सेल, वो इन्हें बेच नहीं सकेगा। एंड देन वी विल हैव नथिंग टू ईट, फिर हम कुछ नहीं खाएंगे। आई होप इट विल रेन सून, मैं उम्मीद करता हूँ कि बारिश जल्द आएगी। बेटा सून का मीनिंग होता है जल्द और होप का मीनिंग है उम्मीद। द मैन सेड टू हिज डॉटर्स, आदमी ने अपनी बेटी से कहा, डोंट वरी माई चाइल्ड, परेशान ना हो मेरे बच्चे। डोंट वरी का मीनिंग होता है परेशान ना हो। आई शैल प्रे फॉर द रेन टू कम सून, मैं दुआ करूंगा बारिश जल्द आएगी। प्रे का मीनिंग है दुआ, कम आएगी सून जल्द। आई एम श्योर गॉड विल लिसन टू माई प्रेयर्स, मुझे यकीन है कि खुदा मेरी दुआएं सुनेगा। प्रेयर्स मीन दुआएं, लिसन सुनेगा, श्योर का मीनिंग है यकीन। ही लेफ्ट हर एंड वेंट टू द नेक्स्ट विलेज, उसने उसे छोड़ा और अगले गांव चला गया। विलेज गांव, लेफ्ट मीन छोड़ा। हिज एल्डर डॉटर लिव्ड देयर विद हर हस्बैंड द पोर्टर, जहां उसकी बड़ी बेटी अपने बर्तन बनाने वाले शोहर के साथ रहती थी। पोर्टर बर्तन बनाने वाला, लिव्ड रहती थी। एल्डर बड़ी। शी टू वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर फादर, वो भी अपने बाप को देखकर बहुत खुश हुई। हाउ आर यू माई चाइल्ड, ही आस्क्ड, उसने पूछा, कैसे हो मेरे बच्चे। वेरी वेल, बहुत ठीक फादर, रिप्लाइड द गर्ल, अब्बा जान, लड़की ने जवाब दिया। रिप्लाइड मीन है जवाब देना, वेल ठीक। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। इट इज वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है। पीपल कम हेयर एवरी डे, लोग हर दिन यहाँ आते हैं। दे बाय पॉट्स टू कीप देयर वाटर कूल, वो बर्तन खरीदते हैं अपने पानी को ठंडा रखने के लिए। वाटर मीन पानी, कूल मीन ठंडा, पॉट्स बर्तन बाय खरीदते। बिजनेस इज वेरी गुड, कारोबार अच्छा है। बिजनेस का मीनिंग है कारोबार। द हॉट सन हेल्प्स आवर पॉट्स टू ड्राई फास्ट, गर्म सूरज हमारे बर्तनों को तेजी से खुश्क होने में मदद देता है। आई होप इट डज नॉट रेन, मुझे उम्मीद है कि बारिश ना हो। इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, आवर पॉट्स वुड नॉट ड्राई, हमारे बर्तन खुश्क नहीं होंगे। ऑल्सो इफ इट रेन्स पीपल विल नॉट बाय पॉट्स, और अगर बारिश हुई तो लोग बर्तन नहीं खरीदेंगे। द फादर स्टेड देयर फॉर अ लिटल वाइल, बाप थोड़ी देर के लिए वहाँ रुका। स्टेड मीन ठहरा या रुका, लिटल वाइल थोड़ी देर। एंड देन लेफ्ट, और फिर चला गया। एज ही वॉक बैक टू हिज विलेज, द पुअर मैन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वापसी गांव वापसी पर गरीब आदमी ये नहीं जानता था कि वो क्या करे। वन डॉटर वांट्स रेन, एक बेटी बारिश चाहती है। द अदर डज नॉट, दूसरी नहीं चाहती। इफ इट डज नॉट रेन माई यंगर डॉटर विल सफर, अगर बारिश ना हुई तो मेरी छोटी बेटी तकलीफ में होगी। इफ इट रेन, अगर बारिश हुई, माई एल्डर डॉटर विल सफर, मेरी बड़ी बेटी तकलीफ में होगी। वट एम आई टू डू, मैं क्या करूँ। थैंक यू।